गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कल हमने विज्ञान के बारे में अध्ययन किया था कि विज्ञान क्या होती है, इसे हम विज्ञान कहते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे फिजिक्स भौतिकी, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भौतिकी को दो भागों में बांट गए। भौतिक हमने पढ़ ली थी कल, भौतिकी क्या है, अब उसको हमने आज के टॉपिक में भौतिकी को कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में। तो आज का हमारा टॉपिक है इसके आगे का, उस कल वाले टॉपिक के आगे, भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। भौतिकी जो फिजिक्स है, भौतिकी को दो भागों में विभाजित, भौतिकी को दो भागों में विभाजित किया गया है। भौतिकी को दो भागों में विभाजित किया गया है। मतलब कल जो भौतिकी हमने पढ़ी थी उसको कितने भागों में विभाजित किया है, दो भागों में। पहला भाग है इसका चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स चिरसम्मत भौतिकी, और दूसरी होती है आधुनिक भौतिकी, मतलब आज के युग की नई फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक मतलब आज के युग की, तो इसको बोलते हैं मॉडर्न, आधुनिक मतलब मॉडर्न फिजिक्स। मतलब जो भौतिकी कल हमने पढ़ी थी, जो भौतिक विज्ञान के बारे में हमने अध्ययन किया था कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, कल सबसे पहले तो हमने विज्ञान के बारे में जाना था कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान के बाद हमने पढ़ा था, उसकी डिटेल पढ़ने के बाद, कि भौतिक विज्ञान क्या होती है उसके बारे में जाना था। आज हम पढ़ रहे हैं जो भौतिक विज्ञान है, जो भौतिकी है, उसको हमने दो भागों में विभाजित किया है। दो भाग कौन कौन से हैं, पहला भाग है चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा भाग है उसका आधुनिक भौतिकी। तो चिरसम्मत भौतिकी पहला जो भाग है, चिरसम्मत भौतिकी, उसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल, स्थूल मतलब स्थूल परिघटनाओं पर विचार किया जाता है। स्थूल का मतलब हो गया ऐसी घटनाएं जो आंखों से, बड़ी घटनाएं मतलब जिनको हम आंखों से देख सकते हो, उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं, चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। मतलब क्या हो गया, चिरसम्मत भौतिकी में ऐसी, चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल परिघटनाएं या स्थूल घटनाओं पर विचार किया जाता है, और स्थूल घटनाएं ऐसी घटनाएं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हो तो उन पर हम विचार करते हैं। और इसमें यांत्रिकी हुई, मैकेनिक्स हुई, वैद्युत गति की हुई, ऑप्टिक्स हुई, प्रकाशिकी, ऊष्मा गति की, थर्मोडायनेमिक्स, ये सभी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, वो जो आती घटनाएं सब चिरसम्मत भौतिकी में आती है। कुछ तो ये जो भी नाम मैं ले रहा हूं, वैद्युत गति की, प्रकाशिकी, ऊष्मा गति की, यांत्रिकी, इनमें से कुछ चैप्टर तो हम 11th क्लास में पढ़ लेंगे, और कुछ चैप्टर जो है पूरे के पूरे चैप्टर रखे हुए, कुछ चैप्टर हम सीनियर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये तो गया चिरसम्मत में। आधुनिक भौतिकी में, आधुनिक मतलब आज की, तो नई नई खोज, नए नए रिसर्च चलता रहता है, तो खोजों के आधार पर जिस भौतिकी का विकास हुआ, आधुनिक मतलब नई की, तो नई नई खोजों के आधार पर जिस भौतिकी का विकास हुआ उसे हम बोलते हैं आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। मतलब क्या हो गया, नई नई खोजें चलती रहेगी, नए नए रिसर्च सामने आएंगे, तो जो रिसर्चों के आधार पर जिस भौतिकी का विकास हुआ, जो भौतिकी बनी, उसे बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स, नए युग की फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। और जो आधुनिक भौतिकी, इसके अंतर्गत हम सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, वहां तो स्थूल थे, स्थूल मतलब बड़े जिन्हें आंखों से देख सकते हो, और यहाँ पर आता है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र जैसे परमाणु हुआ, आणविक हुआ, मतलब परमाणविक, आणविक, नाभिकीय, इन परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यह किसके अंतर्गत किया जाता है, आधुनिक भौतिकी में किया जाता है। तो
देखिए हम सबसे पहले हम ले रहे हैं चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, कल जो हमने भौतिकी पढ़ी थी उसको आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें उस भौतिकी को दो भागों में विभाजित किया है, दो भागों में बांटा है। पहला भाग है चिरसम्मत भौतिकी जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, और दूसरी होती है आधुनिक भौतिकी जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो पहला टॉपिक ले रहे हैं हम चिरसम्मत भौतिकी। अभी मैंने बताया चिरसम्मत जो भौतिकी है इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से स्थूल परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। स्थूल परिघटनाएं मतलब ऐसी घटनाएं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हो। तो देखें हम लिख लेते हैं इसके बारे में। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत, चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत स्थूल परिघटनाओं का चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत स्थूल परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत कौन सी परिघटनाएं, स्थूल परिघटनाएं। तो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल परिघटनाओं का, तो यहां शब्द जोड़ सकते हैं अपन मुख्य रूप से, तो ये भी ऐड करते हैं इसमें अपन मुख्य रूप से दोबारा लिख लेते हैं मुख्य रूप अपन लिखना भूल के दोबारा लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वही है वो केवल में मुख्य रूप से लिखना भूल गया था, उसको लिखने के लिए दोबारा लिखा है, इसको मिटा के देखो। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल परिघटना, मतलब मुख्य डिपेंड किस पे कर रहा है, ये स्थूल परिघटनाओं पर। तो इसमें जो मुख्य रूप से कौन सी घटनाएं होती है, स्थूल परिघटनाएं, ये स्थूल परिघटनाएं ये है मुख्य इसका केंद्र बिंदु। तो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और मैंने अभी आपको बताया है कि स्थूल परिघटनाएं ऐसी घटनाएं जो हम आंखों से देख सकते हैं, परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है या विचार किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास स्थूल परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें यांत्रिकी, इसमें क्या आती है, इसमें यांत्रिकी, विद्युत गति की, इसमें यांत्रिकी, मैकेनिक्स, विद्युत गति की प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, ये चैप्टर 12 क्लास में चैप्टर नंबर 11-12 है प्रकाशिकी। उसके अलावा ऊष्मा गति की, थर्मोडायनेमिक्स, ये हम 11 क्लास में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को, ऊष्मा गति की, ये सब इसमें आती है। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है या स्थूल परिघटनाओं पर विचार किया जाता है। इसके इसमें यांत्रिकी, वैद्युत गति की, प्रकाशिकी, ऊष्मा गति की आदि विषय शामिल हैं, आदि विषय
आदि विषय शामिल है। आदि विशेष के अंतर्गत क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये तो ले लिया हमने सबसे पहले चिरसम्मत भौतिकी। एक बार और देख ले हम चिरसम्मत भौतिकी को। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से, चिरसम्मत जो भौतिकी है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल, मतलब मेन केंद्र बिंदु ये स्थूल परिघटनाओं पर विचार किया जाता है या स्थूल परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये स्थूल परिघटनाएं ऐसी घटनाएं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हो, मतलब बड़ी घटना है जो अपने आंखों से नजर आ जाए तो उसको, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, विचार किया जाता है इसको बड़ी घटनाओं पर। इसमें कौन कौन सी घटनाएं आती है, इसमें यांत्रिकी हुई, मैकेनिक्स हुई, वैद्युत गति की हुई, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स हुई, ऊष्मा गति की, थर्मोडाइनेमिक्स आदि विषय शामिल है। अब दूसरा लेते हैं अपन आधुनिक भौतिकी, दूसरा भाग है इसका आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, नए युग की फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी मतलब आधुनिक, आधुनिक मतलब नए युग की, आज की। जैसे समय बदलता रहता है तो रहन सहन भी बदल जाता है, वैसे समय के साथ साथ नई नई, नया वैज्ञानिक आया उसने नया रिसर्च कर दिया, फिर अगला वैज्ञानिक आया उसको आगे बढ़ाते हुए रिसर्च कर दिया, तो नई नई भौतिकी का जो विकास हुआ वही कहलाती है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में परिभाषा लिखी जा सकती है, नई नई खोजों के आधार पर जिस भौतिकी का विकास हुआ, परिभाषा भी लिख सकते हैं हम इसमें, नई नई खोजों नई नई खोजों के आधार पर, नई नई खोजों के आधार पर जिस भौतिकी का, नई नई खोजों के आधार पर जिस भौतिकी का विकास हुआ उसे आधुनिक, उसे आधुनिक भौतिकी कहते हैं। मतलब हो गया नई नई खोजों के आधार पर जिस भौतिकी का विकास हुआ उसे आधुनिक भौतिकी कहते हैं। अब मेन चीज वही है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी, चिरसम्मत में तो क्या आता था, स्थूल परिघटनाएं, मतलब ऐसी घटनाएं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हो, बड़ी घटनाएं। यहां पर इसके अंतर्गत सूक्ष्म घटनाएं आती है, क्या आती है, सूक्ष्म घटनाएं, तो वो इसमें हम लिखेंगे आधुनिक भौतिकी के। जैसे लिखा था चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत पहले वाले टॉपिक चिरसम्मत में क्या था, चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल परिघटनाएं, मतलब ऐसी घटनाएं, स्थूल परिघटनाएं केंद्र बिंदु, ये स्थूल परिघटनाएं, यहां पर क्या होगा, सूक्ष्म घटनाएं, यही अंतर है। मतलब इसकी जो घटनाएं होंगी चिरसम्मत वाली वो आंखों से देखी जा सकती है, जबकि आधुनिक भौतिकी की जो घटना है वो सूक्ष्म होती है, उनको हम बहुत छोटी होती है, आंखों से देखने में लगभग असमर्थ रहते हैं। तो देखो यहां भी लिख सकते हैं अपन आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से सूक्ष्म प्रभाव अंतर्गत, मुख्य रूप से आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से सूक्ष्म प्रभाव आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से सूक्ष्म प्रभाव की, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की परिघटनाओं, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की परिघटनाओं
सूक्ष्म प्रभाव की, सूक्ष्म जो प्रभाव क्षेत्र है उसकी परिघटना, ये इसका केंद्र बिंदु है। जैसे स्थूल में, जैसे चिर संबंध में जो केंद्र बिंदु था वह स्थूल परिघटना है, मतलब ऐसी घटना है जो आंखों से देखी जा सकती हो, बड़ी हो। यहां पर सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की, दोनों में यही अंतर है, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की आधुनिक में क्या है, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की परिघटनाओं। अब ये इसमें सूक्ष्म कैसी आती है, जैसे जैसे हम ले सकते हैं परमाणवीय, परमाणवीय आणविक नाभिकीय, जैसे परमाणवीय आणविक आणविक नाभिकीय, जैसे परमाणवीय आणविक नाभिकीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है इसमें जो इसमें क्या क्या आती है, देखो इसमें सापेक्षिकता, ये सब इसी में आएगी। इसमें सापेक्षिकता जिसको हम बोलते हैं रिलेटिविटी, रिलेटिविटी, इसमें सापेक्षिकता, रिलेटिविटी, इसके अलावा क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी, इसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये हो गया क्वांटम यांत्रिकी मतलब क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अलावा परमाणवीय मतलब परमाणु भौतिकी, एटम फिजिक्स, परमाणु परमाणु भौतिकी जिसको हम बोलते हैं एटम फिजिक्स, एटम फिजिक्स, सापेक्षिकता, क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु भौतिकी तथा या नाभिकीय भौतिकी जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फिजिक्स आदि जो है, न्यूक्लियर फिजिक्स आदि विषय शामिल हैं, ये सब इसी में आते हैं, आदि विषय आदि विषय शामिल है। तो सबसे पहले देखें, दोबारा समझ लेते हैं, आज जो पढ़ा भौतिक कल हमने पढ़ ली थी, भौतिक को हमने दो भागों में विभाजित किया, कितने भागों में विभाजित किया भौतिक को, भौतिकी को दो भागों में, पहला चिर संबंध भौतिकी, दूसरा आधुनिक भौतिकी। चिर संबंध को हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और जो दूसरी भौतिकी आधुनिक भौतिकी उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। पहला टॉपिक चिर संबंध भौतिकी, जो चिरसंबद्ध भौतिकी होती है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से, पहला जो ले रहे हैं चिरसंबद्ध भौतिकी, तो चिरसंबद्ध भौतिकी में मुख्य रूप से स्थूल परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब नाम आता है स्थूल परिघटनाएं, तो ये स्थूल क्या चीज होती है, सबसे पहले ये हम समझे तो जिसमें हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो स्थूल होती है ऐसी घटनाएं, मतलब स्थूल घटनाएं मतलब बड़ी घटनाएं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हो। तो इसमें हो गया चिरसंबद्ध भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से
स्थूल परिघटनाओं परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है या स्थूल परिघटनाओं पर विचार किया जाता है, मतलब जिन्हें हम आंखों से देख सकते हो, ऐसी घटनाओं पर विचार किया जाता है। और इसमें जो आती है वो आती है यांत्रिकी, वैद्युत गति की, प्रकाशिकी और उष्मा गति की आदि विषय शामिल है, बहुत सारी ऐसी। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट हमने ले लिए, तो ये आदि विषय शामिल है। चैप्टर नंबर 11 और 12 में हम ये प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे, 9 और 10 जो चैप्टर था हमारे 11 क्लास में, तो ये प्रकाशिकी, उष्मा गति की हम 11 क्लास के अंदर ही पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, यांत्रिकी भी 11 क्लास में पढ़ेंगे, वैद्युत गति की ये हम सीरियल में पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरी जो है आधुनिक भौतिकी, आधुनिक मतलब आज के युग की, तो नई नई खोजें होंगी उसके आधार पर नई नई भौतिकी का विकास होता जाएगा। तो वही है यहाँ पर, नई नई खोजों के आधार पर जिस भौतिकी का विकास हुआ उसे हम बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। तो अब आधुनिक भौतिकी में क्या है, जैसे यहाँ पर चेतन भौतिकी के अंदर स्थूल परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो इसका भी कोई केंद्र बिंदु होगा, तो इसका है आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटी, वहां पर बड़ी थी, यहाँ पर क्या है छोटी। तो सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और सूक्ष्म कैसी होती है, जैसे परमाणु हुए हुए परमाणु, अणु और नाभिक, ये लिख रखा मैंने, जैसे परमाणु आणविक नाभिक की परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या होती है परिघटनाएं, सूक्ष्म होती है, परमाणु घटना है सूक्ष्म, आणविक घटना है सूक्ष्म, नाभिक की परिघटना है सूक्ष्म, सब सूक्ष्म होती है। तो ये हो गई अध्ययन किया जाता है। अब इसमें कौन सी आती है, या तो इसको ऐसे लाइन से लिख लो, या पहले ये लिख लो, दूसरे नंबर पे लिख लो, तीसरे नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहली जैसे इसमें क्या आती है सापेक्षिकता, इसमें कौन कौन सी घटनाएं आती है, जैसे सापेक्षिकता, रिलेटिविटी, क्वांटम यांत्रिकी मतलब हो गया तुम्हारे पास क्वांटम मैकेनिक्स, पहली तो आगे सापेक्षिकता रिलेटिविटी, दूसरी है क्वांटम यांत्रिकी क्वांटम मैकेनिक्स, परमाणु भौतिकी एटम फिजिक्स, अगली नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स आदि विषय शामिल है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं जो इसमें से मुख्य रूप से लिखी हमने, तो वो घटनाएं जो है आज के युग की जो नई नई खोजों पर आधारित आ रही है वो सब आधुनिक भौतिक में शामिल हो जाती है। तो ये था हमारा भौतिक को दो भागों में बांटना, पहला चिरसम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, और उसके बारे में पढ़ना। अब हम पढ़ेंगे कि जो भौतिकी है, भौतिकी का कार्य क्षेत्र, भौतिकी जो है उसका कार्य क्षेत्र क्या होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा भौतिकी का कार्य क्षेत्र, भौतिकी का कार्य क्षेत्र, ये अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, कल की क्लास में। थैंक्स।